सूचना पर दबिश देने पहुंची थाना कोतवाली सिकंदरा राव पुलिस की तीन इनामी बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकशी निवारण अधिनियम 3/4 गैंगस्टर एक्ट में काफी समय से वांछित चल रहे 15,000 के तीन इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। खुलासा कर थाना पुलिस ने तीनों इनामी बदमाशों को जेल भेजा। हाथरस जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा राव पुलिस को मुठभेड़ की सूचना पर मुठभेड़ के बाद तीन इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, रविवार की देर रात करीब 11 बजे थाना पुलिस को मुठभेड़ से सूचना मिली। थाना क्षेत्र के पुरदिल नगर स्थित नहर के पास एक खाली पड़े मकान में की तीन इनामी बदमाश छुपे हुए हैं। इस पर थाना कोतवाली सिकंदरा राव पुलिस ने करीब 11:30 बजे मौके पर जाकर दबिश दी तो पुलिस को देखकर तीनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। थाना पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए अपराध संख्या 50/19 धारा 379 3/5/8 गोकशी निवारण अधिनियम 3/4 गैंगस्टर एक्ट मामले में वांछित चल रहे 15,000 के तीन इनामी बदमाश अजमेरी कुरैशी पुत्र यूसुफ निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद पश्चिम, बंटी पुत्र बाबू निवासी सोरो गेट पुरदिल नगर, शाहरुख पुत्र निजामुद्दीन निवासी सोरो गेट पुरदिल नगर थाना क्षेत्र सिकंदरा राव जनपद हाथरस को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली सिकंदरा राव पुलिस ने खुलासा करते हुए तीनों इनामी बदमाशों को जेल भेज दिया। सर, जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा राव पुलिस ने तीन इनामी बदमाशों को पकड़ा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, तीनों लगातार गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनपे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व से 15,000 रुपये का इनाम था और इसमें थाना सिकंदरा राव को एक बड़ी सफलता मिली है। ये तीनों की अरेस्टिंग हो गई है, बाकी कार्रवाई की जाएगी।